कि शख्स मुझे नहीं जानता था कि ये कौन शख्स है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसने आपको गलबा देना था आपकी जिंदगी में आपको वो मकाम अता फरमाया कि लाखों इंसान आपके गिर्द जमा हुए और आपकी जमात में शामिल हुए, लेकिन मुखालफतें अपनी जगह कायम रहीं। तो हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने उन मुखालफों को इस बात से मुतनब्बे फरमाया था कि देखो तुम जितनी मर्जी मुखालफत कर लो, मेरी वफात के बाद भी यह सिलसिला जो है वो नहीं रुकेगा बल्कि कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। चुनाचे सैयदना हजरत अकदस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की वफात 26 मई सन 1908 को होती है। उस वक्त क्या हुआ, जहां आपकी वफात हुई लाहौर में, वहां लोगों ने शादियां बजाए, खुशियों के इजहार किए कि लो अब यह सिलसिला खत्म हो गया, अब जमात अहमदिया दुनिया से मिलिया मेट हो जाएगी, अब इनके नाम जो है वह दुनिया में लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर वो क्या जानते थे कि खुदा ताला उस दूसरी कुदरत को जो जाहिर करने वाला है, जिसका वादा दायमी है, जो क्यामत तक रहेगा, वो खिलाफत के रंग में जारी होनी थी और इनके शादियाने बजाने के एक दिन के बाद ही अल्लाह ताला ने 27 मई सन 1908 को वह कुदरत सानिया को जाहिर फरमा दिया। और हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब भेरवी रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहला खलीफा अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया और जमात की क्यादत आपके हाथ में सौंप दी। यहां से वो तुखमरेजी किया हुआ पौधा पनपता है, बढ़ता है और उसकी शाखें, जैसे कि हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो एक बीज बोया है, ये एक तनावर दरख्त बनेगा, इसकी शाखें सब तरफ फैलेंगी। ये खिलाफत के क्याम के साथ ही अल्लाह ताला ने ऐसे इंतजाम पैदा किए कि इस अहमदियत की तरक्की की जो दरख्त की शाखें थीं वो अकनाफे आलम में फैलनी शुरू हुई। हजरत हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब भेरवी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर शुरू होता है। ये उलमा जो मुखालफत के लिए कारबंद, मुखालफत के लिए पुरजोश थे और हर तरह जमात को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इनको क्या मालूम था कि तुम लोग ये कहते हो कि हम जमात अहमदिया की आवाज या हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की आवाज कादियान से बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर जब कादियान से बाहर निकली तो कहा पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे, जब पंजाब से बाहर निकली तो कहने लगे हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकलने देंगे। मगर देखिए क्या हुआ, हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतखाब होता है, आपके हाथ में खिलाफत की ईरान दी जाती है और आपके जमाना में यूरोप का पहला मिशन जमाते अहमदिया कायम करती है और वो पौधा जिसकी शाखों को हिंदुस्तान में फैलने से रोका जा रहा था, खिलाफत के क्याम के साथ ही खुदा ताला ने यूरोप में उसकी शाखें जो है वो लगा दी और पौधे वहां पैदा कर दिए। ये खिलाफत की तरक्की की वो पहली मंजिल थी जहां से अहमदियत हिंदुस्तान से बाहर की तरफ अपना कदम रखती है। फिर जमात में लोगों ने यह सोचा था कि जमात की जो तरक्की हो रही है हिंदुस्तान में वो रुक जाएगी, हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने जिन कामों को शुरू किया है वो मान पड़ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैयदना हजरत अकदस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक दीनी मदरसा की बुनियाद रखी और एक स्कूल की बुनियाद रखी। बाद मुखालिफीन थे जिन्होंने चाहा कि उस स्कूल को बंद कर दिया जाए, उस दीनी दरसगाह को ना चलाया जाए, मगर सैयदना हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि यह नहीं हो सकता, जिसकी बुनियाद सैयदना हजरत अकदस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने रखी है वो स्कूल जारी रहेगा। और वो स्कूल जारी हुआ और आपके जमाना में उसने इतनी तरक्की की कि आपने एक मोहल्ला जो कादियान में था जिसे दारुल उलूम का नाम दिया गया, उस मोहल्ले वो नया मोहल्ला आबाद हुआ और वहां पर आपने बाकायदा तालीमुल इस्लाम स्कूल जारी फरमाया। आपके जमाना में तालीमुल इस्लाम कॉलेज वहां शुरू हो गया, फिर जामिया के की क्लासें वहां हो गई, बाहर से लोग जब आने शुरू हुए कादियान तालीम के लिए तो उनके लिए वहां कोई हॉस्टल नहीं था। तो आपने सन 1910 में यानी कि खिलाफत पर मुतमक्किन होने के 2 साल के बाद ही वहां बाकायदा हॉस्टल का इंतजाम फरमाया। किस लिए? इसलिए कि वहां से मुबल्लिगीन निकलेंगे जो अकनाफ आलम में फैलेंगे
और अहमदियत को सारी दुनिया पर गालिब करके दिखा देंगे। तो ये वो बुनियादें थी जिसको हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया, और यहां से फिर जमात जो है वो तरक्कियात की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। आपके जमाना में कादियान की जहां तक तरक्की का सवाल है, बहुत से काम हुए, मस्जिदें नई बनी, मस्जिद नूर आपके जमाना में तामीर हुई, कॉलेज आपके जमाना में बना, तालीम इस्लाम स्कूल आपके जमाना में बना, इसी तरह से नूर अस्पताल आपके जमाना में बना, और भी बहुत से काम हुए। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत खलीफतुल मसीह सानी हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आता है। अगरचे उस वक्त जमात के बाद अफराद ने जो कि इस बात से ना आशना थे कि खिलाफत से अलहदगी जमात की तरक्की का जरिया नहीं बन सकती, उन लोगों ने जमात से अलहदगी इख्तियार की और खिलाफत को छोड़ा। यह तो जमाना जानता है कि उन्होंने खिलाफत को छोड़ने के नतीजा में क्या पाया, और जो खिलाफत के साथ चिमटे रहे उन्होंने उनके मुकाबले पर कितनी तरक्की की। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत पर मुतमक्किन होने के बाद ही फरमाया कि मुझे ऐसे ऐसे मुजाहिदों की जरूरत है जो अपने खर्च पर हिंदुस्तान से बाहर जाएं और वहां जाकर तबलीग इस्लाम करें और अहमदियत के पैगाम को और मसीह मौत के पैगाम को दुनिया में फैलाएं। चुनाचे आपकी इस तहरीक पर बहुत से नौजवान आगे आए, और आपने जब उनको ट्रेनिंग देकर बाहर भिजवाया तो कोई उसमें से रशिया की तरफ चला गया, कोई उसमें से स्पेन की तरफ निकल जाता है, कोई उसमें बुखारा की तरफ चला जाता है, और ऐसे जाते हैं कि हाथ में कुछ नहीं, बेसरो सामानी की हालत में निकलते हैं। मगर अल्लाह ताला ने उन बेसरो सामानी के हाथों से निकलने वालों को के साथ वो सलूक नहीं किया जो दुनियादारों के साथ होता है, बल्कि ये खुदा के पहलवान थे, खुदा ने इन लोगों को वहां तरक्की अता फरमाई और वहां पर नए नए मिशन कायम हुए। इस तरह से हजरत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना में ही हिंदुस्तान में जहां पर जमात ने तरक्की की बहुत से मराकज कायम हुए, और हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं था जहां पर जमात के अपने मिशन कायम नहीं हो चुके थे, जहां पर मसाजिद कायम नहीं हो चुकी थी। तकसीम मुल्क से पहले तक हिंदुस्तान में इस कदर जमात को अल्लाह ताला ने तरक्की अता फरमाई कि उसका नजारा अगर सिर्फ कादियान की हद तक देखें, आज भी वो लोग जो कादियान के कॉलेज के पढ़े हुए हैं।